हाँ जी स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो लेट्स राइट फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि इसमें कंपैरिजन आ जाएगा किसका, एल्डिहाइड और कीटोन्स का, राइट। फिजिकल स्टेट पहला पॉइंट, लोअर मेंबर मिथेनल क्या होती है, मिथेनल रूम टेम्परेचर में मिथेनल गैस फॉर्म में होती है, ये बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट। और जैसे जैसे मैं कार्बन एटम बढ़ाऊंगा क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, लिक्विड बन जाएंगे, हायर मेंबर सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, फिजिकल स्टेट किस पे डिपेंड करती है वो देख लो, आर सी डबल बॉन्ड हो, इधर चाहे एच हो चाहे आर हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, समझ आया, ठीक है। इधर भी आर सी डबल बॉन्ड हो, इधर चाहे आर हो चाहे एच हो, क्लियर, हर लिंग आ रहा समझ। यहां पे क्या है, इधर चार्ज डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, सेम इधर, यहां पे चार्ज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहां पे इंटरेक्शन होगी, इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं इधर, हाँ जी साक्षी श्रुति एंड आकांक्षा, ये कौन सी फोर्सेस हैं, बोलो बोलो, हाँ डाइपोल डाइपोल, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, देखो डाइपोल बना डाइपोल बना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस तब होती हैं जब कंप्लीटली नॉन पोलर हो मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH4 CO2 O2 H2 Cl2, तब लंडन फोर्सेस होती हैं और सबसे ज्यादा वीक होती हैं, ठीक है। लंडन फोर्सेस के बाद आती है डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल से स्ट्रांग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसको मैं नाम कर लूं, ठीक है। फिजिकल स्टेट में हम एक दो लाइन लिखते हैं, राइट डाउन लिखो, मिथेनल इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस, पंजेंट स्मेलिंग गैस, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आगे लिखो, इथेनॉल लिक्विड होता है, इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 294 केल्विन, इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 294 केल्विन, राइट। धीरे धीरे फोर्सेस बढ़ती जाएंगी और स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है। लिख लो आगे इसी क्लास से कंटिन्यूटी में लिख लो, व्हाइल स्टिल हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स, ठीक है, मतलब कि 6-5 कार्बन के बाद लगे, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर टू, स्मेल की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने नहीं करना इसको स्मेल। आगे देखेंगे सॉलिडिटी, थर्ड पॉइंट, हाँ आप लोग सेकंड लिख लो, सेकंड पॉइंट इज सॉलिबिलिटी, इसमें से क्वेश्चन आता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में से क्वेश्चन आता है, अगले दो पॉइंट में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक एक सेट में आएगा दूसरा दूसरे सेट में, ठीक है। देखो कैसे सॉलिबिलिटी, HC डबल बॉन्ड हो H, मिथेनॉल है, क्या ये पानी में सॉल्युबल होगा, यस और नो। अगर जहां पे कभी भी आपको अगर ऑक्सीजन दिखे, किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है और उसको पानी में डाले, पानी में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी होनी है, ठीक है, बात समझ आई। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख देना, यहाँ पे है, ठीक है, जैसे इथेनॉल के साथ भी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं वाटर डालूंगा तो ये इंटरेक्ट होगा एच के साथ, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी इच्छा होती है, जैसे मर्जी दिखा लो इसको, आप जैसे मर्जी बना लो, वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। आपने इधर दो ऐसे भी दिखा सकते हो, एच ओ एच, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी, एच ओ एच, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जो कीटोन होगा उसमें तो बच्चे ये जो एल्डिहाइड एक ग्रुप वो भी तो होना चाहिए, आर मिथेनॉल हो गया, ठीक है, एक मिथेनॉल। अब देखो अगर मैं एक ग्रुप अगर कीटोन लेता हूँ, हाँ जी, क्या बच्चे कीटोन बनेंगे ना, वही चीज बताने लगो, तो कीटोन के लिए तो मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, तो कीटोन में तो स्टेरिक इनर्जी भी बढ़ गया, ठीक है, नॉन पोलर पार्ट भी बढ़ गया, इसका मतलब इनकी सॉलिबिलिटी कम होगी। वैसे भी जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा, चाहे वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, बच्चे आ रहा समझ, ठीक है।
आया सर? चले आगे, लिखे थोड़ी सी थ्योरी, राइट डाउन, गुड, सच थ्योरी लिखो। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अप टू, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अप टू फोर कार्बन एटम्स, अप टू फोर कार्बन एटम्स आर मिसेबल विद वाटर, अप टू फोर कार्बन एटम्स आर मिसेबल विद वाटर Why so? Why so? Because of hydrogen bonding. Right now, this is due to the presence of hydrogen bonding. This is due to the presence of hydrogen bonding between the polar carbonyl group and वाटर मॉलिक्यूल एज शोन बिलो। इसने एक और अच्छा सा स्पेक्ट्रम बनाया, क्यों ना आपको वो दिखाएं, और अच्छा बनेगा वो कार्बोनिल ग्रुप एंड वाटर मॉलिक्यूल। एक कार्बन इधर, ठीक है, बना दो। अगर लिखो, अगर मेंबर हायर करूंगा चार मेंबर से ज्यादा तो सॉल्वेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। लिखो, द सॉल्वेबिलिटी डिक्रीजेस रैपिडली, सॉल्वेबिलिटी डिक्रीजेस रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। सॉल्वेबिलिटी डिक्रीजेस रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। क्यों? ब्रैकेट में लिख लो, एल्काइल चेन नॉन पोलर होती है बच्चे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करो इसके नीचे। जैसे कि आपको पता है ये बहुत ज्यादा पोलर नहीं है, ठीक है, समझ आया? तो इसमें अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट में लगा दूं RCHO या कीटोन ले लूं, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट भी तो है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, आया समझ? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, जैसे इथर हो गया, आया समझ? CCl4 हो गया, राइट डाउन। ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देखो ऑल लिख रहा है वो, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी सॉल्विटी बढ़ेगी उनकी, कम नहीं होगी क्योंकि नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखो, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर fairly soluble in organic solvents such as benzene, ether, chloroform, etc. Next point, important point, मैंने बोला दो point है important, solubility हालांकि हैलोजेंसिन की ज्यादा होती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हैलोजेंसिन से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आपके हिसाब से लिखो, बॉइलिंग पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजिंग, क्या लिखना है? बॉइलिंग पॉइंट में काफी इसके केस बनेंगे, ठीक है, तो आपको समझने पड़ेंगे ऐसा क्यों हुआ। देखो, हमें एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन करना, अगर मैं तीन कार्बन का एल्डिहाइड लूं, तीन कार्बन का कीटोन लूंगा, मास सेम होगा, अगर मास सेम हो तो अगर फोर्सेस भी सेम हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, है ना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने C2H5 ले लिया, सी डबल बॉन्ड हो और एक क्या होता है, एच बचा, राइट, दिस इज प्रोपेनल,
प्रोपेनॉल तीन कार्बन से, एक तरफ प्रोपेनॉल दूसरी तरफ क्या लूंगा, तीन कार्बन से कीटोन क्या बनता है, एसीटोन। एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। हमें देखना है किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइपोल है ना, यहाँ पे प्लस इफेक्ट है, इथाइल का प्लस इफेक्ट है, इथाइल का प्लस इफेक्ट मिथाइल से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि दो ग्रुप लगे हुए हैं, समझ आया। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, CH2 CH3 H। जब ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इजी से आगे देगा, ठीक है। तो इथाइल का इफेक्ट एक मिथाइल से ज्यादा होगा, दो से थोड़ी, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये भी प्लस इफेक्ट दे रहा है इंडिविजुअली, ये भी देगा, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे प्लस इफेक्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्जेंसी हाई होगी। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन ज्यादा डाइपोल स्ट्रॉन्ग किसका होगा, कीटोन का, कीटोन का आया समझ। इधर डाइपोल ज्यादा था ना, चार्ज इधर ज्यादा जाएगा ना, क्योंकि इधर चार्जेंसी हाई हुई इन दोनों के कारण, ठीक है। तो याद नहीं करना, याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका 2.88 ही है। अब देखो डायपोल में फर्क पड़ा है ना, अब देखो हमने कितना बारीकी में गए, थोड़ा सा डायपोल में फर्क पड़ा, और बॉलिंग पॉइंट में आपको क्या लगता है कितना इंक्रीजिंग फर्क होगा, बहुत थोड़ा फर्क है, सिर्फ 5 डिग्री का फर्क है बस, ठीक है। एक का 329 है, एक का 322 323 ऐसे कुछ है, ठीक है। सात का फर्क है 322 एंड 329, बॉइलिंग पॉइंट 322 केल्विन, इधर बॉइलिंग पॉइंट 329 आया। तो ये आप लिख लो, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है, राइट ऑफ हरिओम। कर लिया नोट, वाह बड़ी स्पीड है। कुछ पूछना है, बच्चे श्रुति आपकी साक्षी की आवाज कम आ रही है, पता नहीं क्यों। नहीं ना 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 ना, याद नहीं करना, ये आपको याद मैं करवा दूंगा, टेस्ट में डालूंगा चार बार, याद कर, ठीक है। चलो देखो, नहीं नहीं याद नहीं करना, थोड़ा अच्छा लगता है ना ऐसे पेपर में ऐसे लिखा और टीचर के बाद है ना, पेपर बच्चा ऑफलाइन दे रहा तब भी ये वैल्यूज लिख रहा है, ऑनलाइन में तो सभी लिख ही लेते हैं, ऑफलाइन में तो लिखेगा वो अच्छा स्टूडेंट है ना। चलो आप लोग लिखोगे आई नो, अब देखो मेरी बात सुनो, इसका बॉइलिंग पॉइंट का फर्क पड़ गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा, इसमें हमें तीन केस पढ़ने हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट आपस में कंपैरिजन, और इनका कंपैरिजन हैलोजन के साथ, इनका कंपैरिजन अल्कोहल के साथ, ठीक है। पहले इनका खुद का तो कर लें, इनको तो बैठ दें, राइट, लिखो लिखो, अमंग द कार्बोनिल कंपाउंड, फर्स्ट पॉइंट बना के लिख लो, चाहे among the carbonyl compounds, comma, ketones have slightly higher boiling points, ketones have slightly higher boiling points than the, ketones have slightly higher boiling points than the isomeric aldehydes, than the isomeric aldehydes. ऐसा इसलिए होता है, इसमें दो ग्रुप हैं, प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा, डाइपोल स्ट्रॉन्ग रहेगा, नीचे लिखो,
दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अराउंड द कार्बोनाइल कार्बन अराउंड द कार्बोनाइल कार्बन कीटोन की बात हो रही है कार्बोनाइल कार्बन विच मेक्स देम मोर पोलर विच मेक्स देम मोर पोलर नाम भी लिख लो लिखना ठीक है चलो प्रोपेनॉल प्रोपेनोन प्रोपेनॉल प्रोपेनोन 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 एसीटोन लिखो ज्यादा बेटर इसका इसका जरूरत नहीं पड़ती मिथेनॉल का और इथेनॉल का पता होना चाहिए इसका भी होता है जरूरत नहीं ठीक है प्रोपेन प्रोपेन एल्डिहाइड ऐसे कुछ बोलते ठीक है हमें मिथेनॉल का पता होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड और इथेनॉल का एसीटाल्डिहाइड बस कर लो सेकंड कंपैरिजन मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दे देता हूं ठीक है हमारे पास CH3CH2CH2OH अल्कोहल है CH3CH2CHO है CH3CH2 नहीं CH3CH2CH3 ये है और चौथा एक और देखें CH3CH2O ये क्वेश्चन आईडी में आया था इजी क्वेश्चन भी आते हैं आईडी में ठीक है कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है करो एक क्वेश्चन के फॉर्म में सारा समझ आ जाएगा देखो इन दोनों में तो हमें बताइए कि ये पहले आएगा बॉइलिंग पॉइंट में इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा है ना अब इनका देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल होती है ठीक है कैसे होती है मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में जाके बताऊंगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एक्सटेंड रहता है वो ज्यादा रहता है ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा एक्सटेंडेड होती है ठीक है मैं अभी ये रब कर लूंगा बता दूंगा ठीक है तो सबसे ज्यादा इसका और किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तीसरा वेरी गुड चौथे पे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए इससे ज्यादा इन दोनों में कर ही है ठीक है सर आपने इन दोनों की बता दी एडिहाइड कीटोन की और ऊपर वाले दोनों की बता दी बट एडिहाइड और उनके आपस में इनकी ये वाली और इनकी और इनकी वन टू अब बच्चे थ्री देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है ना डायपोल डायपोल से ऊपर होती है ये स्ट्रांग होती है ना फोर्सेस तो इन दोनों का इनसे कम होगा दोनों से ठीक है इन दोनों का ज्यादा होगा इन दोनों का कम होगा क्योंकि इसमें डायपोल डायपोल फोर्स है इसमें डायपोल डायपोल फोर्स है ठीक है तो ये कर लो सर उसका